Hello everyone, this is Mansi from evidhati.in. I'm here again with a new chapter number 4, Basic Geometrical Ideas. So this is an introduction video जिसके अंदर हम इस चैप्टर के टॉपिक्स और कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. So let's quickly get started. Now here the name of the chapter, Basic Geometrical Ideas. Geometry word हमने पढ़ा हुआ है. Geometry क्या होता है? Of course it's not your geometry box. लेकिन ज्योमेट्री क्या होता है मैथ्स में, जब हम किसी शेप्स की, लाइंस की, इन चीजों की बात करते हैं तो दे ऑल कम अंडर ज्योमेट्री. अब इसकी क्या हिस्ट्री है ये सब हमें नहीं समझना, बस जब हम शेप्स की, मेजरमेंट्स की, इन सब चीजों की बात करते हैं सो वी नेम इट एज ज्योमेट्री. ओके, सो यहाँ पे इस टाइम इस चैप्टर में आपको पहले छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े शेप्स पे जाना है. सो द फर्स्ट थिंग वी हैव इज अ पॉइंट. Now I'm sure यहाँ पे हम सबको पता है पॉइंट क्या होता है. सिंपली अगर मैं यहाँ पे एक डॉट लगाती हूँ एंड इफ आई नेम इट एज ए, सो दिस इज पॉइंट ए, राइट? सो दिस इज अ पॉइंट, अ सिंपल डॉट जिसको हम बोल सकते हैं इट इज अ पॉइंट. ये आगे जाके आएगा इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, सो वहां पे हेल्पफुल है. तो आपको पता होना चाहिए पॉइंट क्या होता है. देन नेक्स्ट वी हैव लाइन सेगमेंट. अब यहाँ पे ना हमारे पास तीन चीजें होती हैं, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. उस इन तीन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, एक एक करके समझते हैं कि क्या डिफरेंस है तीनों में. जो लाइन सेगमेंट होती है ना उसके एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं, जैसे कि यहां से मैंने स्टार्ट करी तो उसका एक एंड पॉइंट होगा कि ये इतनी है, लेट्स नेम इट ए बी. अब ये 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, कितने भी सेंटीमीटर है, ये फिक्स रहेगी कि ए बी इज अ फिक्स लाइन सेगमेंट. जब ये पॉइंट ए बी फिक्स होते हैं, जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है सो आप चाहे इसे यहां से स्टार्ट करो तब भी 5 ही रहेगी ना, 6 सेंटीमीटर तो नहीं हो जाएगी. सिमिलरली आप इसको इस तरह से बनाओगे तब भी ये फिक्स रहेंगे एंड पॉइंट्स. सो अगर एंड पॉइंट्स फिक्स है तो वो होता है लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट चीज है लाइन. लाइन में क्या होता है, हमारे जो एंड पॉइंट्स है वो फिक्स नहीं होते, इसलिए जब हम लाइन बनाते हैं सो वी ड्रॉ इट लाइक दिस. यहाँ पे हमने ये एरोज बनाए, अब इसको नेम देने के लिए इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ए बी, राइट? सो इसको हमने नेम तो दे दिया बट यहाँ पे पॉइंट्स फिक्स नहीं है, ये एरोज है, मतलब ये लाइन यहाँ भी एक्सटेंड हो सकती है और इधर भी एक्सटेंड हो सकती है. सो दिस इज अ लाइन. सो डिफरेंस क्या है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, लाइन के एंड पॉइंट फिक्स नहीं होते. सो नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज अ रे. अब रे क्या होता है, रे होता है इन दोनों का मिक्सचर. कैसे, रे का एक पॉइंट फिक्स होता है, जैसे कि जो इसका ओरिजिन है वो फिक्स है, ये यहां पे पॉइंट, इसका ये वाला एंड पॉइंट फिक्स है, ये इधर एक्सटेंड नहीं हो सकती, लेकिन यहां पे ये एक्सटेंड हो सकती है. इसका बहुत बेसिक एग्जांपल हो सकता है सन रेज. हम जो सन में से रेज आती है उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं. सो देखो उसमें है क्या, इफ दिस इज सन सो यहां से इसकी रेज आती है. अब ये जो सन है ये हो गया फिक्स पॉइंट, रेज तो कहीं तक भी जा सकती है, राइट? सो यही से आपको याद रहेगा, रे मीन्स वन एंड पॉइंट फिक्स एट, एक साइड से वो कितना भी एक्सटेंड हो सकती है. सो दिस वॉज अबाउट पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड अ रे. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. सो वॉट आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि किसी पॉइंट पे जाके मीट करती हैं. फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस है, दिस इज लाइन वन एंड दिस इज लाइन टू. अभी लाइन वन और लाइन टू यहाँ पे मीट हो रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां वो मीट करे. सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड ये बन गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स. अब जरूरी नहीं है कि वो इसी शेप में हो, अगर मैं दो लाइन्स इस तरह से बना रही हूँ सो दीज आर ऑल्सो
इंटरसेक्टिंग लाइन। सिमिलरली अगर इस तरह से और इस तरह से लाइन है सो ये भी एक पॉइंट पे मीट करें, सो दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब एक चीज जो यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, लाइन सेगमेंट नहीं, मतलब कि अगर दो लाइन्स है तो वो कहीं भी आगे एक्सटेंड हो सकते हैं। कभी कभी होता है हमें दो एक फिगर देख के लगेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। लेट्स सी हाउ। सो यहाँ पे मैंने ये दो लाइन्स बनाई, अभी ये लाइन आपको लगेगा इंटरसेक्टिंग नहीं है, बट दीज आर लाइन्स, ये एक्सटेंड हो सकती है। सो ये एक्सटेंड करके मीट कर रही है, सो मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मतलब कि एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स एक पॉइंट पे मीट करती है किसी भी, एंड ऑल्सो दे आर लाइन्स, मतलब वो आगे एक्सटेंड हो सकती है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव आर पैरेलल लाइन्स। अभी हमने इंटरसेक्टिंग लाइन्स पढ़ा, सो पैरेलल लाइन्स वी कैन से इंटरसेक्टिंग लाइन्स का ऑपोजिट होती है। कैसे? इंटरसेक्टिंग लाइन्स एक पॉइंट पे मीट करती हैं। पैरेलल लाइन्स वो होती हैं जो कभी मीट ना करें। सो अगर मैं यहाँ पे दो लाइन्स बना रही हूँ लाइक दिस, सो दे आर पैरेलल लाइन्स, बिकॉज अगर आप इनको आगे एक्सटेंड करते जाओ चाहे दोनों डायरेक्शन से तो ये कभी मीट नहीं करेंगी। अब इसके लिए दो चीजें होगी पैरेलल पॉइंट में, एक तो दे विल नेवर मीट, वो किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगे इवन इफ हम उसे एक्सटेंड कर दें। नेक्स्ट वी हैव इक्वल डिस्टेंस। सो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल रहता है। अब इक्वल डिस्टेंस रहेगा तभी वो पैरेलल होगी। अगर डिस्टेंस कम होता जाएगा, लेट सपोज ये दो लाइंस अभी पैरेलल है बट आगे जाते जाते इनका डिस्टेंस कम होने लगे, तो मतलब कि ये एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगे, इसीलिए वो कभी मीट नहीं करती, इसलिए उनका डिस्टेंस जो होता है वो बीच का हमेशा इक्वल रहता है। सो मींस इफ आई ड्रॉ दिस, सो क्या ये पैरेलल लाइंस है? अब देखो यहाँ पे ये मीट तो नहीं कर रही बट स्टिल दे आर नॉट पैरेलल लाइंस। व्हाई? बिकॉज अगर ये एक्सटेंड होंगे तो हम इस देख सकते हैं कि ये मीट कर जाएंगे। सो डिस्टेंस बीच में इक्वल होना इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो दिस वॉज अबाउट पैरेलल लाइंस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज कर्व्स। अब कर्व्स क्या होता है? कर्व्स को आप सिंपली बोल सकते हो डूडलिंग करना। डूडलिंग क्या होता है? रैंडमली जब हम पेन से कुछ भी अपने ऐसे ऐसे करके कुछ बना दिया, दैट इज डूडलिंग, एंड दैट इज व्हाट कर्व्स आर। कर्व्स भी ऐसी कोई भी रैंडम शेप होती है उसको हम बोलते हैं इट इज अ कर्व। सो अगर मेरे पास लेट सपोज मैंने इसी ऐसे ही करते हुए एक ये बनाया, सो दिस इज अ कर्व, राइट? सिमिलरली एक मैंने ये बनाया, ये भी कर्व है। सो ये दोनों ही कर्व्स है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जो ये वाला कर्व है ये क्रॉस कर रहा है, मतलब जैसे हमने गियर करा तो ऊपर से क्रॉस करके निकल गया, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ एंड देन एक पॉइंट पे आके एंड हो गया, उसमें उसने क्रॉस किया। सो जिसमें क्रॉस नहीं होता, जब ये क्रॉस नहीं होगा तो उनको हम बोलते हैं सिंपल कर्व्स, मतलब कि जो कर्व्स एक दूसरे पे क्रॉस करते हुए नहीं बनते दे आर सिंपल कर्व्स। ओके, कर्व्स में एक चीज और होती है, दैट इज अगेन आई ड्रॉ टू कर्व्स, लेट सपोज वन इज दिस एंड द अदर वन इज दिस। सो हियर वी कैन सी ये दोनों ही सिंपल कर्व्स है क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अब यहाँ पे एक डिफरेंस और है, यहाँ पे इस वाले कर्व में जहां से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे आके एंड हो गया, सो दिस बिकम्स अ क्लोज्ड कर्व, ये हो गया क्लोज्ड कर्व। सिमिलरली यहाँ पे बात करें तो ये स्टार्ट इस पॉइंट पे हुआ है लेकिन एंड यहाँ पे हुआ, सो दिस मीन्स इट इज एन ओपन कर्व। सो ये हो गया एक ओपन कर्व। सो हमने यहाँ पे तीन चीजें देखी, एक तो सिंपल कर्व जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, देन क्लोज कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट एक ही होता है, देन वी हैव एन ओपन कर्व जो कहीं से भी स्टार्ट होता है कहीं पे भी एंड हो सकता है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट कर्व्स। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक।
So now our next topic is polygons. अब polygons क्या होता है? Polygons are the shapes जो कि line segment से बनती हैं. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी शेप बना रही हूँ like this, so इस तरह से ये जो भी शेप बन रही है, this is a polygon because ये शेप लाइन सेगमेंट से बनी है, राइट? इसी तरह से अगर मैं ये बनाऊ, सो हियर यहाँ पे मेरे पास तीन लाइन सेगमेंट्स तो हैं, बट ये एक कर्व आ रहा है, सो दिस मीन्स इट इज नॉट अ पॉलीगन. सो जो शेप लाइन सेगमेंट से बनती है वो पॉलीगन होती है. अब इसमें आपका स्क्वायर भी आ सकता है, ट्राइंगल भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है. सो ये सारी शेप्स पॉलीगन है बिकॉज ये लाइन सेगमेंट से बनी है. अब आपके पास अगर कोई भी शेप है तो उसमें तीन चीजें हैं. फर्स्ट थिंग वर्टिसेस. वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स. जैसे इस शेप की अगर हम बात करें तो इसके ये कॉर्नर पॉइंट्स है. इवन इसकी भी बात करोगे तो यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट्स, राइट, जहां पे लाइन सेगमेंट्स मीट कर रही है. सो दीज आर दी कॉर्नर पॉइंट्स और वी कैन कॉल देम वर्टिसेस. Then next thing we have is sides. अब sides क्या होता है इस shape में? You can see ये, 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 ये. These are the sides. और जो ये, या फिर हम बोल सकते हैं जो ये line segments है उसको हम sides बोलते हैं. One last thing are diagonals. अब diagonals क्या होते हैं? जब opposite points meet करते हैं. जैसे इस फिगर में ये पॉइंट इसको ऑपोजिट है, इसको ज्वाइन कर दो, दिस इज अ डायगनल. सिमिलरली दिस इज अ डायगनल. सो इस तरह से दीज आर डायगनल. सो वर्टिसेस, साइड्स एंड डायगनल्स. ओके, ये तीन चीजें होती हैं पॉलीगन. हमें समझ आ गया जिसमें लाइन सेगमेंट से शेप बनती है दे आर पॉलीगन्स. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एंगल्स. अब हम बात करते हैं एंगल्स की. So now what are angles? Angles होते हैं दो rays जो कि एक common point से start होती हैं. So if I draw this, so ये हो गया common point and ये हो गई दो rays. जैसे कि अगर ये O है, so OA is a ray, right? OB is a ray, ठीक है? तो ये दो rays का एक common point है. So this becomes an angle, right? अब इसमें जो ये कॉमन पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स. ओके, और जो ये रेज है इसको हम बोलते हैं आर्म्स और वी कैन ऑल्सो कॉल इट साइड्स. ठीक है, तो ये साइड्स बोल सकते हो या आर्म बोल सकते हो, वन ऑफ द सेम थिंग. अब देखो, अब अगर मुझे इस एंगल का नाम लेना है तो मैं इसको कैसे बोलूंगी? एओ बी, बी ओ ए, या बी ए ओ, या फिर ओ बी ओ. समझ नहीं आ रहा ना कुछ क्या नाम होगा इसका. सो इसमें जब भी हम एंगल का नेम देते हैं, सो जो वर्टेक्स है वो बीच में आएगा. जैसे तीन पॉइंट्स मिलके एंगल बना रहे हैं, सो ओ बीच में आएगा. सो दिस बिकम्स ए ओ बी. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज एंगल ए ओ बी. ऑल्सो इट कैन बी रिटन एज एंगल बी ओ ए. सो दिस कैन बी AOB बी और BOA. मतलब कि जो O है ये बीच में रहेगा, विच इज दी कॉमन पॉइंट. ओके, सो दिस वॉज एंगल. अब एंगल के साथ एक और चीज होती है, दैट इज इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट. सो इसी एंगल की अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाती हूँ पॉइंट P, सो दिस मीन्स ये पॉइंट P एंगल के इंटीरियर में, बिकॉज ये इन दो रेस के बीच में है. सो मतलब ये हो गया इंटीरियर पॉइंट. अगर मैं यहां लिखती हूँ Q, सो Q इज एन एक्सटीरियर पॉइंट. मतलब कि अगर आपके पास कोई एंगल है, सो ये जो एरिया है दिस इज द इंटीरियर पार्ट, यहां जो बाहर एरिया है दैट इज द एक्सटीरियर पार्ट. अब देखो यहाँ पे जो हमने इसकी आर्म्स की बात करी, ये रेज होता है. रेज मतलब ये आगे एक्सटेंड हो सकती है, इसीलिए जो एंगल का इंटीरियर पार्ट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकता, बिकॉज ये रेज आगे भी एक्सटेंड कर सकती है, तो ये पार्ट भी हो गया. ठीक है, तो इसीलिए इंटीरियर पार्ट एंगल का रिस्ट्रिक्टेड
नहीं होता. ओके, सो मोस्टली आपके पास जो पॉइंट्स आएंगे या तो वो इसके अंदर आएंगे या इस साइड कहीं बाहर आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट का. ओके, सो दिस वॉज अबाउट एंगल्स. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ट्राइंगल्स. सो ट्राइंगल्स के बारे में हमें पता है ट्राइंगल शेप कैसी होती है. आप उसके कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि इफ आई ड्रॉ दिस, सो ये एक ट्राइंगल है, राइट. अब इसको हम नेम दे देते हैं, लेट्स सपोज ए बी सी. सो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, राइट. अब इस ट्राइंगल में कुछ चीजें होती हैं. फर्स्ट थिंग इज साइड्स. अब एंगल की इस ट्राइंगल की साइड्स क्या है? साइड ए बी, दिस इज अ साइड. Then BC, this is a side. Then AC. So ये तीन इसकी sides हो गई. Then और एक और चीज होती है, which are vertices, right? So अगर हम इसके vertices की बात करें, जिसको हम अगर single बोलते हैं तो vertex बोलते हैं. So vertex are A, B, C, right? So sides हो गई, vertex हो गई. अब इसमें एक चीज और होती है, that is angles. अब देखो, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, अगर मैं एसी अभी के लिए रब कर दूं, सो मेरे पास एक एंगल बचा. सिमिलरली एसी को वापस ले आते हैं, अगर बीसी रब कर दे, सो दिस इज एन एंगल. सो इस तरह से यहां पे हमारे पास तीन एंगल्स हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, राइट. सो एंगल ए बी सी, जिसमें बी बीच में है तो हम बी की बात कर रहे हैं. एंगल बी सी ए, सो सी की बात कर रहे हैं. देन एंगल सी ए बी, सो ये तीन एंगल्स हैं ट्राइंगल के अंदर. अब यहाँ पे भी इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट होता है, इसमें तो फिक्स है. इस एरिया के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे दे आर इंटीरियर, और इस ट्राइंगल के बाहर जो पॉइंट्स होंगे दे आर एक्सटीरियर पॉइंट्स, ठीक है. एक और चीज, ट्राइंगल्स को आप डिफाइन कर सकते हो एज अ पॉलीगन. अभी हमने बात करी कि लाइन सेगमेंट से जो बनता है वो पॉलीगन होता है, तो अगर थ्री साइडेड पॉलीगन है तो इट इज अ ट्राइंगल. ओके, सो दिस वाज अबाउट ट्राइंगल्स. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज क्वाड्रिलेटरल्स. सो वी टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स. अब क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स भी पॉलीगन होते हैं, बट फोर साइडेड पॉलीगन. सो कोई भी शेप जिसकी फोर साइड्स है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, राइट. सो ये शेप देखो, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, इसकी फोर साइड्स है, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल. सो कोई भी शेप क्वाड्रिलेटरल होगी अगर उसकी फोर साइड्स है. सो वी कैन सी, जो हमारे पास स्क्वायर होता है या जो रेक्टेंगल होता है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, राइट. सो अब क्वाड्रिलेटरल में भी कुछ चीजें होती हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो अगर आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल है, लेट्स नेम इट पी क्यू आर एस. नाउ इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, अगेन इसकी भी साइड्स हैं. क्या साइड्स हैं? एस पी, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, ये सारी इसकी साइड्स हैं. देन इसमें भी एंगल्स हैं. क्या एंगल्स हैं? This angle P, angle Q, angle R, angle S, right? So ये हो गए हमारे sides, angle, vertex भी बोल सकते हो, S, R, Q, P को vertex भी बोल सकते हैं. अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास एक और चीज आती है समझने वाली, they are adjacent sides, adjacent angles, opposite sides, opposite angles. So देखते हैं वो क्या होते हैं. So adjacent का मतलब क्या होता है? Adjacent means साथ वाले. जैसे कि यहां पे अगर हम बात करें, सो ये जो लाइन सेगमेंट है पी एस और लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये दोनों साथ साथ है. सो पी एस एंड पी क्यू आर एडजेसेंट साइड्स, राइट. सिमिलरली आर पी, सॉरी आर क्यू एंड आर एस, ये दोनों भी साथ साथ है, सो ये भी एडजेसेंट साइड है. प्लस पी क्यू और क्यू आर भी साथ साथ है, तो जो दो साइड साथ साथ है मतलब कि वो एक कॉमन पॉइंट शेयर करती हैं, वो लाइंस होती हैं एडजेसेंट साइड्स.
ओके सिमिलरली एंगल्स भी ऐसे होते हैं, ये एंगल और ये एंगल साथ साथ है एडजेसेंट एंगल, ये एंगल और ये एंगल साथ साथ है सो एडजेसेंट एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल एडजेसेंट, ये और ये एडजेसेंट, सो मतलब एडजेसेंट का मतलब हो गया जो साथ में साइड्स है या साथ में एंगल्स है। इसी का ही उल्टा हमारे पास आता है ऑपोजिट। ऑपोजिट तो हम सबको पता है, ऑपोजिट मतलब आमने सामने जो है, जैसे पी एस की ऑपोजिट साइड होगी क्यू आर, बिकॉज वो आमने सामने, उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। सिमिलरली पी क्यू की ऑपोजिट साइड एस आर, राइट। सो ऑपोजिट साइड्स के बाद आते हैं ऑपोजिट एंगल्स, सो एंगल एस का ऑपोजिट एंगल क्यू, एंगल आर का ऑपोजिट एंगल पी। सो ये हो गए ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट क्वाड्रिलेटरल, सो इस इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं अ पॉलीगन विद फोर साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, इस फिगर को देख के आपने गेस कर लिया होगा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल्स, राइट। सो अब सर्कल में बहुत सारी चीजें आती हैं। सर्कल हम सबको पता है ये राउंड फिगर एक सर्कल है, बट इस सर्कल के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज होती है सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल मतलब इस सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है, मतलब कि जैसे आप कंपास से जब सर्कल बनाते हो, निडल यहां आती है, पेंसिल से राउंड कर देते हैं हम। सो ये जो निडल है, मतलब जिस बेस से वो स्टार्ट हो रहा है, वो होता है सर्कल का सेंटर। सो लेट्स सपोज ओ नेम दे दिया, तो दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, राइट। सो सेंटर यहाँ पे हो गया ओ, ठीक है। नेक्स्ट चीज है रेडियस। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है जब इस सेंटर से एक लाइन निकलती है, उस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जाके मीट करती है, जैसे कि सो ये जो बना है दिस इज रेडियस। पॉइंट जीरो पॉइंट से स्टार्ट हुई, मतलब सेंटर से स्टार्ट हुई है और सर्कल के एक पॉइंट पे जाके टच किया है। अब ये ही किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, सो ये है हमारी रेडियस। लेट्स नेम इट ए। सो मतलब कि ओ ए इज द रेडियस, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट चीज आती है डायामीटर। अब डायामीटर क्या होता है? डायामीटर होता है कि जब सर्कल के दो पॉइंट्स, मतलब सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स मीट करते हैं बट सेंटर इंक्लूड करके, जैसे कि ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, अभी सर्कल के दो पॉइंट्स यहां पे और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रही है और सेंटर से पास हो रही है, सो दैट इज अ डायामीटर। सो डायामीटर समझ आ गई, इसका नेम दे देते हैं बी सी। सो बी सी इज द डायामीटर ऑफ सर्कल ऑल्सो। अब देखो इसका जो हाफ है ओ बी रेडियस है, ओ सी रेडियस है, सो दिस मीन्स कि ये जो हमारा डायामीटर होता है ये रेडियस का डबल होता है, ठीक है। सो डायामीटर इज ऑलवेज डबल ऑफ द रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड डायामीटर की तरह ही होता है, मतलब कि सर्कल के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, बट कॉर्ड में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास होगा। मतलब कि इफ आई ड्रॉ दिस, अब ये बाई चांस सी पॉइंट पे मिल रहा है, एक रैंडम भी कोई भी पॉइंट है, सो वो एक कॉर्ड बनाएगा। जैसे कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर रहे हो, जैसे कि एक सर्कल हो गया, सो यहाँ भी मैंने इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया, या इस तरह से इस तरह से इस तरह से, सो ये सेंटर से पास नहीं हो रहे लेकिन सर्कल के दो पॉइंट्स को मीट करवा रहे, सो दैट इज अ कॉर्ड। सो इस फिगर के अकॉर्डिंग बी सी हमारी कॉर्ड है, ओके। देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज, अब नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास दैट इज आर्क। अब आर्क क्या होता है? आर्क होती है अगर हम सर्कल के दो पॉइंट्स को लेते हैं, जैसे कि
यहां पे दो पॉइंट्स बना लेते हैं, दीज टू पॉइंट्स, ये हो गया ई एफ। अब ये जो कर्व है ई एफ का, दिस इज एन आर्क, सो इसको लिखते कैसे, जैसे ई एफ है तो ऊपर एक इस तरह से बना लेते हैं, सो दिस इज आर्क ई एफ। ओके, अब इसके बाद दो चीजें बचती हैं, वन इज अ सेक्टर, सेकेंड इज अ सेगमेंट। अब सेक्टर और सेगमेंट क्या होता है, ये सर्कल का पोर्शन होता है। कैसे, जो ये क्वाड है, इस क्वाड के साथ जो ये पोर्शन आया, दिस इज द सेगमेंट ऑफ सर्कल, सो ये पोर्शन हो गया सेगमेंट ऑफ सर्कल, राइट। सिमिलरली जो आर्क से आता है, जैसे ये ई एफ हमारी आर्क है, सो अगर मैं इसे सेंटर से ज्वाइन कर दू दोनों पॉइंट्स को, तो ये जो एरिया है, दिस इज द सेक्टर ऑफ सर्कल। सो सेक्टर और सेगमेंट सेम सेम लगते हैं, बट सेगमेंट कॉर्ड से जो पोर्शन निकला वो होता है, सिमिलरली सेक्टर आर्क से जो पोर्शन निकला वो होता है, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट, ओके। सो ये सारे पार्ट्स होते हैं सर्कल के, राइट। नाउ दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। विद दिस हमने जितनी भी शेप्स हैं, जितने भी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइडियाज हैं, वो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करते हैं, ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस चैप्टर। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।